हमारे यहां उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी, और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे, बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है जो पहले कभी नहीं हुआ। जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में
जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है दोस्तों। देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब देश का मिजाज ऐसा हो, जब देश की रफ्तार ऐसी हो, तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उड़ान के लिए नई ऊर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है दोस्तों। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, हमें वैसा ही शिक्षण, वैसी ही संस्थानों की व्यवस्थाएं, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मिजाज अपने आप को सज्ज करना ही होगा। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो, शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। साथियों, देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच शिक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े आप सभी महानुभावों की भूमिका कितनी अहम है,